Hi friends, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वाटर. सो वाटर जो है मतलब इसका हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि इसके बिना लाइफ का सर्वाइवल ओवर द अर्थ इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो जो हमारे मोस्ट ऑफ द मतलब सेक्शन है, मेजर सेक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ वाटर. ह्यूमन बॉडी के अंदर अबाउट 65% जो है वो वाटर प्रेजेंट है और प्लांट्स के अंदर ऑलमोस्ट 95% जो है वाटर प्रेजेंट है. बिना वाटर के लाइफ का सर्वाइवल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. एंड वाटर जो है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट जो कोई भी चीज है वो इसके अंदर जाके इजिली सॉल्यूबल हो जाती है. सो इट इज अ सॉल्वेंट ऑफ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. एंड जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द अर्थ सर्फेस इट इज नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म. मतलब कहीं पे आपको पानी ज्यादा मिलेगा, कहीं पे पानी आपको कम अमाउंट में मिलेगा. तो एक जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का वो नहीं है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर. तो यहाँ पे ये वाटर का सप्लाई है, हम देखते हैं कि कैसे कैसे होता है. तो ओशंस में ऑलमोस्ट 97.33% ऑफ वाटर है, सलाइन लेक्स में 0.008, इस तरीके से आपके ये सारे ग्राउंड वाटर में 0.61, लेक्स में 0.009, सॉइल के मॉइस्चर में ऑलमोस्ट 0.005, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर में 0.001 एंड रिवर्स में 0.0001 परसेंट वाटर जो है वो प्रेजेंट है. तो एज सच वाटर का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म. और वाटर जो है नेचर में हमें तीनों फॉर्म में मिलता है. इट कैन बी इन द सॉलिड फॉर्म, इट कैन बी इन द लिक्विड फॉर्म और इट कैन बी इन द गैसियस फॉर्म. तो ये हमारे वाटर की तीनों फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और हमें नेचर में वाटर इन तीनों फॉर्म्स में मिलता है. तो ये तो एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी वाटर के बारे में. इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम अपने कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.